बैंक कर्मचारियों की मनमानी की वजह से 36 से ज्यादा बुजुर्गों को पिछले 6 महीने से वृद्ध निराश्रित और विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे की वजह है कि लाफिन खुर्द में एक बुजुर्ग इन बुजुर्गों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। ये गलती बैंक कर्मचारियों की वजह से हुई है, लेकिन इसकी वजह से बुजुर्ग और निराश्रित लोग पिछले 6 महीने से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और कई बार पेंशन की आस में अपने गांव से बैंक के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। मुझे जरूरत है पैसा के, मैं बीमार हूँ, मोर पैसा मिलना चाहिए। पैसा वो जाता हूँ तो यहाँ नहीं मिले कैसे, और ते है पैसा लम ला लाते क्योंकि मैं घर में धोखा में बैठे हूँ और मुझे बहुत तकलीफ मिलती। एक कमरा यहाँ मेरा घर में दे देते है, तो चलता नहीं, अकेला जा नहीं सकते हैं और कोई लेने वाला भी नहीं साथ में। कह रहे हैं अब इसको खाता और वहाँ लेके नौकरी करा दीजिए, ऐसे कह रहे हैं। सब कुछ नहीं जबता दे रहे हैं। जब जाता हूँ पैसा लेकर, दिन भर वहाँ पैसा काम के लिए अपना रेखराज साहू जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रेखराज, बैंक की लापरवाही, बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही और भुगतना दिव्यांगों को, बुजुर्गों को पड़ रहा है। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दिव्यांग और जो बुजुर्ग पेंशन हितग्राही है उनको समस्या तो हो रही है, साथ ही साथ जो मनरेगा के हितग्राही है उनको भी नियमित रूप से समस्या हो रही है। एक बार मैं पूरा बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ग्राम पंचायत लाफिन खुर्द का है, जहाँ पर शासन द्वारा भेजा जा रहा पेंशन की राशि हितग्राहियों के खाते में तो आ रहा है, लेकिन बैंक में आधार लिंक नहीं होने के कारण जो है पेंशन अपना पेंशन के हितग्राही जो है, ठीक है, तो बैंक को क्या दिक्कत हो रही है भाई, लिंक कर देना। अगर हितग्राही आ रहे हैं तो उनको ये बता दें कि आप आधार कार्ड लेते आइए और हम आपका लिंक कर देते हैं। लिंक करने के बाद उनकी क्यों उनके जो हितग्राहियों की जो राशि है वो क्यों नहीं दे देते फिर? जी, 4 से 5 वर्ष हो गया है इनके खाते खुले, लेकिन अभी तक जो है बैंक जो है आधार लिंक नहीं किया हुआ है, जबकि इस गांव में जो है बैंक मित्र भी मनोनीत किया गया है, उसके द्वारा भी आज तक जो है हितग्राहियों को जो है सिर्फ जो इसका बैंक लिंक है आधार से उनको ही पैसे दे रहा है, बाकी लोगों को जो है महाजन। आपको रोकना चाहूंगी, हितग्राही चंपेश्वरी साहू दिव्यांग पेंशन हितग्राही हैं जिनका आधार लिंक नहीं हुआ है, हमारे साथ जुड़ गए। चंपेश्वरी जी, क्या कुछ दिक्कतें हो रही है, कब से पेंशन नहीं मिली? जी मैम, मैं दोनों पैर से दिव्यांग हूँ और मुझे यहाँ पेंशन नहीं दिया जा रहा है आधार लिंक नहीं होने के कारण। तो आप आधार कार्ड लेके बैंक गई, आपने कहा मैनेजर से कि भाई हमारा आधार कार्ड लिंक कर दीजिए और हमको हमारी पेंशन दे दीजिए? जी मैं ये बात तो नहीं बोली हूँ, पर बैंक जाने में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से मैं 4-5 महीने हो गए पेंशन नहीं ले पा रही हूँ और मुझे अपने। चंपेश्वरी जी, अब जब भी आपका बैंक जाना हो, अगर आप अपने परिजनों के साथ बैंक जाएं तो आप अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। आधार कार्ड जितने भी आपके पास, जो भी आपके पास आईडी हो वो लेके जाइए, ताकि ये ना हो कि बैंक वाले आपसे ये कहें कि आपका वोटर आईडी कार्ड चाहिए या फलाना कार्ड चाहिए, कुछ भी। तो आप जब भी जाएं अपने तमाम दस्तावेजों को साथ लेकर जाएं, ताकि आपका तुरंत हाथों हाथ आपका जो कार्ड नंबर है वो आपके अकाउंट नंबर से लिंक हो जाए और आपको आपकी राशि मिल जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। जिला पंचायत सीईओ रवि मित्तल जी फोन लाइन पर जुड़ गए। मित्तल साहब, शुक्रिया, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। मित्तल साहब, क्या दिक्कत हो रही है, बैंक की लापरवाही, बैंक की गैर जिम्मेदाराना चीज और भुगत रहे हैं हितग्राही? देखिए, इससे 15 मिनट जानकारी है तो जो तथ्य मुझे बताए गए हैं कि कुछ 500-600 लोगों का आधार लिंक नहीं हुआ है बैंक का। मैं इसका जी जी वैसे सर कहना मुश्किल है, क्योंकि आप मित्तल साहब आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। हाँ जी, हाँ जी, आप बात पूरी कीजिए मित्तल जी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। रेखराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
कोरोना का संक्रमण